इब्राहिम का अपने पूरा नाम मोहम्मद मूसा। मूसा का डाटा आपने मुझसे शेयर किया था अराउंड दिसंबर में, दिसंबर में भी, फिर कुछ वीक्स पहले भी और दरमियान में भी आपके साथ जो है वो बिल्कुल आपने कुछ शेयर किया। तो उस वक्त से अब तक आपने इसके साथ जो काम किए उस पर क्या फ़र्क है, आपका फीडबैक थोड़ा सा मुझे चाहिए। लाइक ये था कि इवन कि ये सिंगल वर्ड भी इसका नहीं था, तो अभी ये है कि इसकी वोकैबुलरी थोड़ी इन्हेंस हुई है अभी। मतलब लाइक पहले ये नहीं बताता था कि मुझे वॉशरूम जाना है या इसने पानी पीना है, बॉटल अगर सामने नहीं हो तो ये नहीं मांगता था, तो अभी पानी भी मांग लेता है। उसने कुछ खाना हो बताता है कि राइस खाने हैं, सीरियल खाना है, कुछ जी। और फिर जैसे सऊदीया का वहाँ का इन्वायरमेंट है कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम और ये टैब्स, और क्योंकि सोशल टाइम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और अभी कोविड की वजह से तो वो जो था इसको हम लोग पार्क वगैरह या इसको फन जोन लेके जाते थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अभी मुझे एक महीना पहले तक तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही थी, लेकिन एक महीने से मुझे लग रहा है कि वापस पीछे की तरफ जा रहा है ना। अब आप सऊदीया से आई हैं या यहाँ पे? नहीं नहीं सऊदीया से आई, अभी अभी 21st को आई हूँ। अच्छा, ये जो पीरियड आया ना कोविड वाला, इसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम ये आया है कि जो बच्चे की रूटीन स्ट्रक्चर थी, जिस तरह बाहर जाना कहीं पे, कहीं थेरेपीज में, कहीं स्कूल में, कहीं पार्क्स में, कहीं मॉल्स में, वो एक्टिविटीज बंद हो गई। अब उसको मिल गई एक इन्वायरमेंट क्लोज घर के अंदर, घर के अंदर वो उसके पास एक्टिविटीज लिमिटेड हो गई। अब वो लिमिटेड एक्टिविटीज की वजह से उसको फ्री टाइम ज़्यादा मिलने लग गया आम रूटीन में। रिजल्ट उसका क्या निकलता है कि जो चीज़ें हमने उसकी में कंट्रोल की होती हैं वो दोबारा उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपके लिए। अच्छा, इसमें हाइपर एक्टिविटी भी ना इंक्रीज हो गई है कि लाइक ये उठ के खुद ही भागना शुरू कर देता है और अपनी इमेजिनेशन में जाएगा, फिर ये लाभ करेगा। दो चीज़ों का मुझे बताइए कि एक्सपोजर टू स्क्रीन्स कितना है इसका और इनटेक ऑफ जंक मीठा किसी भी फॉर्म नहीं है, बिस्किट चॉकलेट आइसक्रीम। अक्टूबर में नवंबर तक में जब मुझे इसका थोड़ा पता चला कि वही गूगल करते करते कि इसको गट के इश्यूज बहुत ज़्यादा है ना, शुरू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी, तो वो चीज़ें देखते देखते कि भाई इसके मुझे सैंडी स्टूल्स लग रहे थे, तो वो गूगल करते करते वहाँ पे ऑटिज़म के बारे में आया, और फिर वहाँ से सर्च करते करते आपके चैनल के थ्रू, तो वो सारा जब से मुझे पता चला कि वो जंक एंड फ्राइज और ये सब कुछ जो है वो मैंने इसका तमाम बिल्कुल बंद कर दिया बिल्कुल। ऑलमोस्ट मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सऊदीया हम लोग बाहर जाते थे तो हमें लगता था कि नहीं अभी हमें ज़रूरत है इसको कुछ देने की, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसने कुछ नहीं खाया, और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम इसको दे देते थे, लेकिन शायद वो था कि महीने दो महीने में एक बार बस। और मीठा बिल्कुल बंद। ग्लूटेन का इसका इशू है, शायद मुझे लगता है कि जब से मैंने इसकी डाइट थोड़ी चेंज की, ग्लूटेन फ्री की है, किजीन फ्री की है, तब से भी इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन ये एक महीने से ना ये मुझे ज़्यादा हाइपर एक्टिव लग रहा था, उठ के इसका भागना, खुद से इसका लाभ करना, इमेजिनेशंस में जाना, और फिर वो कुछ जो इसकी वो चीज़ करने की वजह से मेरा रवैया भी थोड़ा हार्श हो जाता था कि मैं इसको पकड़ के बिठाती थी, तो उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि ये इसमें खुद एग्रेशन आ गई है। मतलब मैं अगर इसको डांट के बिठाती थी ना तो ये भी आगे से गुस्सा करता था, वरना इससे पहले इसको गुस्से का पता ही नहीं था। और एग्रेशन जो क्या करते हैं, मतलब लाइक अगर मैं इसको डांट दूँगी तो टैब है इसके हाथ में, ये उठा के फेंकते थे कभी। हाँ हाँ जी, ये करता है। और इसके अलावा नहीं ऐसा जैसा नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ से मना करें तो बैठ जाएगा नीचे, खुद को थ्रो कर देगा फोर पे, इस तरह से जाएंगे। अभी आपको उनका चॉइस देंगे ना, सर चॉइस देंगे आप चॉइस के साथ। इसके लिए लाइक मैंने किया था कि आपका चैनल देख देख के वो उसी टाइप का, मैंने ऑलमोस्ट 60% मटीरियल जो है ना ये मैंने वहाँ से परचेज कर लिया था इसका, और बहुत इम्प्रूवमेंट भी आई है इसमें। अभी आपके मेन कंसर्न्स क्या हैं? एक तो बिहेवियर हो गया, हाइपर एक्टिविटी हो गई जी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसका ये है कि आई कांटेक्ट और अटेंशन कि ये मुझसे मैनेज नहीं हो सकता। वहाँ पे तो शायद घर का माहौल भी ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो
उनको घर में पता होता है कि हमारी ये चीज़ भी उधर पड़ी हुई है, एक चीज़ सामने रखो तो दूसरी तीसरी चीज़ की तरफ लपकना, तो कुछ ये भी था। और अभी आई कांटेक्ट का मुझे होता है कि इसका पहले ज़्यादा था, अब कम हुआ है। लाइक मतलब आप इसको रिग्रेशन कह सकते हैं कि अभी एक महीने से मुझे फिर लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। मेन बस यही है कि कम्युनिकेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कुछ ना कुछ तो हो रहा है। कितना आसान है यहाँ अभी, बस यही है कि इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाए। अक्टूबर तक तो है कि कंफर्म ही है, अक्टूबर तक। और मैं इसके सेशंस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे ही करवाना चाहती हूँ। और उसके बाद भी अगर तो मतलब मूसा का वो तो शेखाब ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे, तो मेरा इरादा यही था कि मतलब जो इसके हक में बेहतर है। अब जाहिर सी बात है औलाद से आगे तो कुछ भी नहीं है। तो आप कहाँ रह रही हैं? हम लोग पेंचपाटा में, जो आपका पेशावर रोड का कैंपस है ना वो एसटीएल का, वो तो हमारे लिए बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है वहाँ पे। लेकिन आजकल जो है वो सारे मानने, बल्कि अभी वो जो बिल्डिंग है वो भी मैंने वैकेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना अच्छा है। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि सितंबर में भी खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, हालात जो है ना ये लाइकली है कि दिसंबर जनवरी तक जाएंगे, क्योंकि जिन कंट्रीज में एक दफ़ा उन्होंने ओपन की चीज़ें वहाँ पर बढ़ गया कोरोना, फिर दोबारा बंद की हैं वहाँ पर, फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो इसी तरह का पैटर्न तो हमारा भी होगा, और बच्चों के लिए स्कूल्स के लिए तो लास्ट प्रायोरिटी पे आएंगे ना ये जी जी। तो मुझे नहीं नज़र आता कि ये दिसंबर जनवरी से पहले कहीं ये चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, अब इसमें आपको दो तीन चीज़ें मैं कर सकता हूँ गाइड, कि स्क्रीन जिसकी कितना है टाइम, जैसे अभी ये टैब यूज कर रहे थे, जैसे अभी ये है कि 15-20 मिनट्स देगा, थोड़ी देर खेलेगा फिर ये छोड़ देगा। यहाँ आने के बाद काफ़ी कम हो गया, सऊदीया में तो काफ़ी था। अच्छा बहन, इसकी एग्जैक्ट एज क्या है? ये 3.6 इयर्स। बड़ी आइडियल एज है मैं बोल रहा हूँ इम्प्रूवमेंट के हवाले से ना। इस एज में 3.6 के अंदर अगर मैं देखूँ बच्चे को किसी को, तो उसके साथ अगर हम 10-12 महीने अच्छे लगा देना, अगर हम इसके साथ साल आप टारगेट कर लेंगे, एक साल इसके साथ अच्छा लग गया ना, कम्युनिकेशन भी इसका है, स्पीच भी है, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी कर रहा है माशाल्लाह, हाइपर एक्टिविटी जितनी देर का मैंने इसको देख रहा हूँ उस तरह की नहीं है, वो इन्वायरमेंट में ये कहता हूँ, वो इन्वायरमेंट में उसमें किसी में कर रहा है। अब उस इन्वायरमेंट में क्या ड्रिल्स होनी है वो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, आप वो वहाँ पे करें। मीठा आपने वैसे बंद किया हुआ है, स्क्रीन्स को और लिमिट करके जीरो की तरफ ले आए ना, ये साल है, एक साल इंशाल्लाह एक साल ना दें, बिहेवियर्स को मैनेज कर लेंगे, बिहेवियर्स मैनेज हो जाते हैं। टाइम लग जाएगा, 2-3 हफ्ते लग जाएंगे एक बिहेवियर पे फॉर इंस्टेंस, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस 3.6 के ऊपर अगर हम इसके साथ एक इंटेंसिव प्रोग्राम इसका चला लें तो ये नॉर्मल लाइफ का बच्चा है इंशाल्लाह। अब उसमें जो इसकी फिर इस साल के अंदर जो चीज़ें इसकी इम्प्रूव होने वाली है, वो प्री लर्निंग स्किल पे जिस तरह अटेंशन आई कॉन्टैक्ट वगैरह ये आपने बताया वो वीक है, वो इम्प्रूव होगा पहले 2-3 महीने आप कह रहे हैं। उसी के साथ साथ इसकी प्रोसेसिंग बेहतर होगी ऑफ थिंग्स, उसके साथ फिर 3-4 मंथ्स के बाद आप कह लेंगे इसकी स्कूल रेडीनेस स्टार्ट हो सकती है, रीडिंग एंड प्री राइटिंग दोनों। ठीक है, इसके साथ तो एक अच्छा, अगर हम इसके साथ काम करें ना इंशाल्लाह ताला, तो ये विद इन 6-8 मंथ्स इतना हो जाएगा कि ये मॉन्सरी शॉर्टसरी में ज्वाइन कर लेगा। बाय देन कोई स्कूल भी खुलता है, फिर वहाँ पे 2-3 घंटे स्ट्रक्चरिंग, द डे इज इम्पॉर्टेंट, पूरा दिन इसका स्ट्रक्चर, अब वहाँ पे 2-3 घंटे गुजारता है, उसको एक क्वालिटी टाइम वहाँ पर मिले। उस स्कूल के खुलने तक का जो पीरियड है ना हमारे पास, उस पीरियड में इसकी ये बेसिक्स के अटेंशन, सिटिंग, प्रोसेसिंग, ये चीज़ें इसकी जो है वो हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। नहीं आप जैसे समझ रहे हैं आप भूसा के साथ नहीं है, बैठ बैठ कुछ ऐश है। अच्छा
तो उसकी इस पीरियड के अंदर अगर हम स्कूल रेडीनेस की तरह सोचते हैं और इसको हम उसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं, तो 2-3 घंटे स्पॉन्सरी शाम में, फिर इसकी वो वीकनेसेस वाले काम है 1-to-1 सेटिंग में, कुछ होम एनवायरनमेंट में इस तरह के इसके साथ करें, तो इस यू विल नॉट टेक मोर देन एन ईयर इंशाल्लाह, क्योंकि इसका लेवल बेहतर है, माइल्ड टू मॉडरेट में चीज़ें हैं, और आपने जिस तरह से एफर्ट की है उसमें चीज़ें फर्दर प्रोग्रेस इम्प्रूव भी की हैं, तो दिस ऑल इज वेरी इनकरेजिंग। मैं आपको कोई गलत होप भी नहीं दिलाना चाहता हूँ, लेकिन ये सब जो मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए 2-3 चीज़ें हमें ब्रेन में रखनी बड़ी ज़रूरी है। स्क्रीन 0 एक साल नहीं दे रहे, उसके बाद बेशक मीठा भी दें, उसके बाद वो भी दें, एक टिपिकल वे में आ जाएगा। फिर आप भी हर वक्त तो नहीं मीठा खाते, या एक छोटे बच्चे को हर वक्त तो नहीं हम चॉकलेट देते, वो कहीं नहीं होता है जी। फिर उस तरह के पैटर्न पे आ जाए तो वो उतना अफेक्ट नहीं करेगा, गट भी इसका उस वक्त तक एडजस्ट हो जाएगा चीज़ों का इंशाल्लाह। उसके बाद स्क्रीन भी ले लें कभी कभार, टाइम रखें डेली बेसिस पे, उसको टाइम दें, अब उसकी प्रोसेसिंग इनफेक्ट सही हो जाएगी, रेपिटेटिवनेस ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद उसको स्क्रीन का वो लॉस नहीं होगा जो जितना अब इसमें होगा, अभी हो रहा है ना, अभी एक्सपोज करने में जितना होगा अल्लाह ना करे। अच्छा, स्क्रीन और जंक 0। दूसरा, इसके साथ कंसिस्टेंटली लगातार इस पीरियड में इसको आप ये समझ लें कि लंबा पीरियड 2 घंटे के अंदर 15-20 मिनट इसको कम अज़ कम मिलने चाहिए, जिसमें फोकस काम, फोकस काम कैसे होना है, उसमें अटेंशन लेनी है, इंस्ट्रक्शंस पे प्रोसेस करवाना है, रिपीट नहीं करने देना, बिहेवियर्स को मैनेज करना है, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, ये 4-5 चीज़ें इंश्योर करनी है, वो मैं करा के दिखाता हूँ आपको इसके साथ, अभी मैं करवा के दिखाता हूँ आपको कि कैसे अटेंशन लेनी है, कैसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, कैसे इंस्ट्रक्शंस पे प्रोसेस करना है, और रिपीट रैंडम किस तरह करना है, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, और बिहेवियर अगर शो करता है तो बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है। बिहेवियर इसके अलार्मिंग नहीं है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी जो थ्रोइंग और ये चीज़ें कर रहे हैं ना, देखिए जब बच्चे को के पास टॉलरेंस नहीं होती है, गुस्सा आता है ना, एक चीज़ को वो टॉलरेट नहीं कर रहा, आपने उससे वो चीज़ ली है, उसने उसमें बर्दाश्त नहीं किया उसको लेने को, अब उसको गुस्सा आएगा, अब वो कुछ रिएक्ट करेगा, अब उसने रिएक्शन में क्या सीखा, थ्रोइंग सीखी, ही विल थ्रो और ही विल लाई डाउन ऑन द फ्लोर, इस तरह से उसका पैटर्न बन रहा है। जब हम उसको टॉलरेंस उसके अंदर पैदा करते हैं खेल में, जब कहते हैं उसमें टॉलरेंस पैदा होगी इंशाल्लाह, टॉलरेंस पैदा होगी, एट द सेम टाइम बिहेव उसकी आपने टेक्निक्स कुछ यूज़ कर ली, फॉर इंस्टेंस आपने से ये लेना है ना टैब ही लेना है या कोई और चीज़ उसके हाथ में है, आपने लेनी है, उसको लेने का तरीका क्या होना चाहिए वो आपको थोड़ा सा। अच्छा, वो मैं मैनेज कर लेती हूँ, टैब इसके हाथ से लेती हूँ ना, तो ये 15-20 मिनट कहता रहता है कि मुझे दें, तो फिर मैं इसको ना इसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, एक तो लेते हुए उससे कोई वो ले के कुछ दे देना डिस्ट्रैक्ट, बड़ा आसान उस वक्त हो जाएगा इमीडिएट। अच्छा, दूसरा ये कि अगर वो फिर मांगता रहता है तो आप उसको हो ऐसा दूंगी देती हूँ, आई विल गिव यू इस तरह करके वेटिंग पे डाल दियो, थोड़ी देर बाद बच्चा बहल जाता है इधर उधर और चीज़ों में भूल जाता है, यानी कि बिहेवियर उसका वो वाला थ्रोइंग वाला ट्रिगर ही ना होने दें, हम अपॉर्चुनिटी ना दें, उसको मौका ना मिल जाए पाए उसको ट्रिगर होने का, फिर वो बिहेवियर डाई डाउन हो जाता है इस तरह। दूसरा, ये खेल जो है ना, इट प्ले अ वंडरफुल चेंज इन द चाइल्ड, उसमें टॉलरेंस आ जाती है, उसमें अटेंशन आ जाती है, खेल एक बड़ा अच्छा टूल होता है डेवलपमेंट के लिए आपके, जो बच्चा अर्ली एज में सीखता है ना, वो बड़े बुनियादी चीज़ें उसमें सीख रहा होता है, इसकी उन पर फोकस होना चाहिए, उससे ये टॉलरेंस भी आ जाएगी, एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी, उसके रिएक्शंस भी रिड्यूस हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब वो जो पीरियड है इसका ये वाला, इसमें आपको 1.5 से 2 घंटे इसको एक किसी प्रोफेशनल हेड पे करने चाहिए, आई डोंट से कि मेरे पास ही आप लाए, कहीं पर भी जो अच्छा काम इसके साथ कर लें, इन एरियाज़ को टारगेट कर लें, एरियाज कौन कौन से हैं, अटेंशन को, प्रोसेसिंग ऑन इंस्ट्रक्शन को, रैंडमाइजेशन को रिपीट ना करने देने को, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने को, और बिहेवियर मैनेज कर, ये 5 चीज़ें कर लें, कम्युनिकेशन इसका बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला, सोशल इंटरेक्शन इसका बढ़ जाएगा, इसकी प्री लर्निंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी विद इन 2-3 मंथ्स इंशाल्लाह, इतनी हो जाएंगी कि ये एट स्ट्रेच बैठ के एक एक्टिविटी को एक जगह पे बैठ के एन आर तक तो आराम से कर, सर ये मेरे पास वहाँ पे 2.5-3 घंटे भी बैठता है।
अब ये ढाई घंटे में देखिए एट स्ट्रेच ना, इसको घंटे से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, लर्निंग रिड्यूस हो जाती है। आगे आगे बैठा तो रहेगा, काम भी करता रहेगा, लेकिन एक्टिविटीज चेंज होती रहेगी। तो दो घंटे का प्रोग्राम इसका डेली बेसिस पे किसी प्रोफेशनल हेड पे, चाहे आप प्रोफेशनल वाला अंदाज अपना लें चाहे किसी प्रोफेशनल से करा लें, वो होना चाहिए। एरियाज मैंने बता दिए, इन एरियाज को एड्रेस करना चाहिए। बाकी टाइम के अंदर इसको आप अपनी रूटीन के अंदर घर में जो काम होते हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, थोड़ा बहुत उधर बैठाया, ये देखो आप टेबल सेट कर रही हैं, आपको डस्टिंग कर रही हैं, आपको कपड़े धो लॉन्ड्री कर रही हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं घर के उसके अंदर मिलाते रहें, और हर दो घंटे में 15 से 20 मिनट इसके प्ले के ज़रूर रखें। उस टाइम में आपने काम और नहीं करने हैं, आपने या घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं मिल के, भाई 10 to 12 वाले में आपने खेलना है, 12 to 2 वाले में मैं खेलूँगी, 2 to 4 में, इस तरह से प्लान करके आप कर सकते हैं। इसका एक ये भी है ना कि अभी तो खैर मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं आए हुए, तो ये बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और अगर ये उनके साथ खेलता भी है ना तो ये जो एक चीज़ खेलता है रेपिटेटिवनेस इतनी ज़्यादा है कि ये बस वो वही काम करता रहेगा और वो जो बाकी बच्चे हैं वो फेडअप हो जाते हैं। देखिए इसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग उन बच्चों से डिफरेंट है ना। जी जी। अब वो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी तरह से खेलें, वो भी सही है, गलत नहीं है। इसका पैटर्न डिफरेंट है, एज में तो बराबर नज़र आते हैं मिथवाज, लेकिन परफॉर्मेंस में, फंक्शनिंग में वो डिफरेंट है। इसको हमने ये दो घंटे जो प्रोफेशनल हेड पे मैं बात करूँ ना, चाहे वो होम एनवायरनमेंट में हो या किसी प्रोफेशनल के पास हो, उसमें ये गोल होगा सोशल इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव प्ले। यूट्यूब चैनल आपने देखी है मेरा जी, रेगुलरली उस पे मैं बच्चों को जॉइंट एक्टिविटीज भी करा रहा हूँ, वजह उसकी होती है वो बड़ा ज़रूरी है। समटाइम्स आइडल भी बिठाता हूँ मैं कि बैठे रहो, कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, वो भी ज़रूरी है। अब आप बैठे हैं, वो आराम से बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं है, तो ऐसे इसने भी कहीं ना कहीं बैठना है इस तरह वेटिंग में। अगर हम डेली नहीं कराएंगे इसको, हर वक्त की एक्टिविटीज कराते रहेंगे बिलफर्ज, तो ये तो उसका आदि रहेगा ना रेपिटेटिव होने की वजह से। इसलिए ये ड्रिल्स इस तरह की डिफरेंट हमें करवानी पड़ती हैं इसको डेली रूटीन के अंदर। अब जब हम इसको सोशल इंटरेक्शन पर काम करेंगे, इसके पे जॉइंट प्ले पे काम करेंगे, इंटरेक्टिव प्ले पे काम करेंगे, अब ये वो सीखेगा उसमें कि मैंने दूसरे के साथ कैसे खेलना है, जॉइंट अटेंशन कैसे देनी है, उससे वो चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। और इसका लेवल माशाल्लाह ऐसा है, जो मुझे जितना मैं देख रहा हूँ इसका और जो मैंने डाटा भी इसमें देखा था, ये जल्दी पिक कर ले। वही सर मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि वहाँ पे ये होता था कि चलिए बाकी एक्टिविटीज़ तो इसने कर ली हैं, तो इसके बाद में इसको कलरिंग और थोड़ी बहुत राइटिंग की तरफ ले आती, तो अभी इस टाइम पे ये काउंटिंग तो कर लेता है 20 तक चीज़ों को काउंट कर लेता है। फिर इसके अलावा रिटर्न इसके हैंड्स में, अब पता नहीं ये इसकी मसल टोन वीक है या वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि अगर मैं इसका हाथ पकड़ती हूँ थोड़ा सा सहारा देती हूँ ना, तो ही कैन राइट अप टू 100, और ये खुद से, मैंने इसको वहाँ कुछ भी नहीं बताया कि ये कैसे आ रही है इसको चीज़ें, सेंटेंस भी लिख लेगा, माय नेम इज मूसा, दिस इज लाइट, दिस इज बॉल, लेकिन विद प्रॉम्प्ट। हाँ, ये चीज़ है, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो फिर छोड़ देगा। हाँ, ऐसे जैसे वो लाइन इधर उधर लगाने लग जाएगी। अब उसमें क्या हुआ है, अब उसमें ये है कि प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में चला गया है, ग्रिप कर रहे हैं चीज़ों को, मैं देख रहा हूँ उसको ग्रिपिंग का इशू नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, प्रॉम्प्ट को फेड करेंगे तो वो कर देगा। तो सर ये इसकी ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसने वो स्पेलिंग्स वगैरह लर्न किए हैं, ये ठीक है स्क्रीन से इसने किए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा तो नहीं होते कि वो काउंटिंग, मैंने इसको नहीं देखा कि कभी भी स्क्रीन पे इसकी 100 तक काउंटिंग जा रही हो। लाइक मुझे ये था कि जब 99 पे पहुंचा ना, तो मुझे ये था कि ये इसके बाद इसको 10 लिखेगा, लेकिन इसने 100 लिखा। सिबलिंग्स इनके जी, और बहन भाई नहीं, देखिए इसने इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, कहीं एक दफ़ा भी इसने वो सुन लिया ना, देख लिया कहीं पे, इंटरेस्ट यानी कि अटेंशन उस वक्त थी इसकी, तो एक दफ़ा सुनने देखने के अंदर भी ये उसको याद हो भूलेगा अगर इंटरेस्ट था उसको। अब वो आपने नहीं कराया, आपने उसमें नहीं कराया, लेकिन उसने कहीं उसको समटाइम्स देख लिया, सुन लिया और अटेंटिव था, तो वो इसको बड़ा अच्छा याद हो जाए।
मेरा पढ़ जाना। तो इस चीज़ से मुझे ये भी मेरी मुझे जो मैं आपको वो टारगेट अपना बता रहा हूँ ना इसके साथ जो होना चाहिए और जिसमें पैटर्न और डेवलपमेंट इसका मुझे जो एग्ज्यूम कर रहा हूँ उसमें और सपोर्ट मिल रही है कि इतनी अच्छी अगर इसकी लर्निंग है तो यू कैन लर्न मोर इन शॉर्ट टाइम इंशाल्लाह। लेकिन उसमें मेहनत होनी है थोड़ी ये तो सर मैं जो आपको इंश्योर करती हूँ कि इंशाल्लाह वो टाइम मैं तो इसको देती हूँ टाइम कि ये जो इसमें थोड़ी बहुत भी इम्प्रूवमेंट हुई है वो तो चले है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो किसी तरह मैं आपका चैनल जो है वो मेरे सामने आ गया फिर आपके साथ जो है वो मेरा कॉन्टेक्ट हो गया जैसे आपने बताया ये फिर आपकी वो सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल नहीं था कि आपने जैसे बताया। और इसके साथ बस ये आप टारगेट करें क्योंकि मैं इसकी जब एज देख रहा हूँ ना तो 3.56 पे इसको नहीं जान सकते। इसके लिए आपको ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि ये मेन स्ट्रीम में नहीं चल पाएगा। अगर इसकी होती 5 ईयर एज और ये लेवल होता फिर मैं शायद सोचता कि यार बड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसको पैटर्न ऑफ वर्क मैंने आपको बताया है एक टिपिकल वे से हट के इन 4-5 चीज़ों को फोकस करना। अभी लाइक सर मैंने ना इसका वो स्कूल वाला टाइम जो है ना वो अभी जैसे होता है ना हमने टारगेट रखा होता है कि हमने बच्चे को 4 में करवाना है या 5 में करवाना है जैसे भी है तो वो चीज़ मैंने जब इसकी ये प्रॉब्लम्स देखे ना तो वो चीज़ फिर मैंने कर दी कि नहीं पहले उसको हम लोग ओमिट कर देते हैं। अगर ये हो जाएगी तो वो अगला आसान हो जाएगा। अभी अगर हम उस पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह अभी अगर उस पर फोकस ज़्यादा हो गया इन पर मैंने आपको ये कहा कि 3-4 महीनों के बाद इसको उस तरफ वाला काम प्री स्किल एकेडमिक्स के अंदर वो उसके बाद हम उसको एड्रेस करेंगे। अभी नहीं करेंगे अभी इसकी बेसिक्स पे 3-4 महीने काम करेंगे फिर वो जब 3-4 महीने में जो फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह उसका उसके बाद उसके लिए बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी राइटिंग भी करा के दिखाता हूँ कि इंडिपेंडेंट ये कैसे करना है उसको देख लूंगा। अच्छा एक चीज ना ये हैंड टैपिंग करता है तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि वो काम हो जाए। देखिए जिस जब वो करता किस वक्त है एक्साइटमेंट में कर सकता है अब उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा कि खुशी के वक्त उसको सिखाएंगे खुशी के वक्त आप क्लैप कर लो थम्स अप कर लो याहू कर दो हाई फाइव कर दो उस बिहेवियर को सब्स्टिट्यूट करना होगा रिप्लेस करना होगा। उसको आता नहीं है उसके पास यही इंजॉयमेंट का शो करने का जरिया है आप कह रहे हैं अब रिपीट कर करके उसका वो स्ट्रांग हो गया है मसला ये हो गया। हम हर चीज़ को रैंडम करेंगे इसी को हर एक्टिविटी को सुनने देखने करने चखने खाने एवरीथिंग शुड बी रैंडमाइज्ड मैक्सिमम अब उसका फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक सर जैसे अभी वो पिक्चर कार्ड्स थे तो उसमें था बेड था और जैसे शूज़ थे तो वो भी थोड़ा बहुत मैंने इसको बताया कि बेड को क्या करते हैं बताते हैं आगे से सोते हैं टॉयज को क्या करते हैं खेलते हैं शूज़ पहनते हैं ये आगे से बताता है ये चीज़ें बताते हैं आगे से ऐसी नहीं कर सकता बच्चे की प्रोसेसिंग उतनी अच्छी फास्ट होती है तो ये चीज़ें मैं इसको सिखाती रही हूँ एक दिन से तो कुछ नहीं हुआ ये एक महीना डेढ़ महीना लगातार मैं इसको बताती रही हूँ लाइक जैसे अभी बाबा कहाँ गए हैं क्योंकि बच्चे को इतना जब हम लोग फैमिली में रहते हैं ना तो वो फैमिली तो हर चीज़ नोटिस करती है और अभी मेरी फैमिली में किसी को भी इसकी इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो मैं इतना जो है वो डिस्क्लोज भी नहीं करना चाह रही जी। लेकिन लेवल इसका माशाल्लाह बेहतर है और इसमें थोड़ी सी एफर्ट अगर हम ये करें ना अच्छा एक चीज़ और कि मैं इसको ना दे रही हूँ फिश ऑयल ना ओमेगा 3 के लिए उससे भी है ये कि फिश ऑयल अच्छा होता है देने में कोई हर्ज नहीं है। GFCF कितना स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रही हैं? नहीं बहुत स्ट्रिक्टली नहीं मॉडरेशन में रखता हूँ लाइक मैं इसको जो चपाती है ना वो मैं इसको ग्लूटेन फ्री दे रही हूँ इसके अलावा कभी कभी इसको ब्रेड बहुत पसंद है तो वो मैंने ग्लूटेन फ्री नहीं लगाई उसको वो जो आम ब्रेड हम लोग वाइट ब्रेड लेते हैं मिल्की ब्रेड लेते हैं इसमें वहाँ था कि हमें कैमल मिल्क मिल जाता था सऊदीया में क्योंकि उसमें वैसे भी प्रोटीन के सीन थोड़ा कम होता है तो वो इसको सूट कर रहा था यहाँ पे आके भी मैंने इसको मिल्क दिया ही नहीं है कि मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और चीज़ें ताकि ये खाता रहे। बस उसमें ना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने से जनरल हेल्थ हो गई है इसलिए बच्चे की वीक हो जाती है ये भी आपको पता क्योंकि प्रोटीन ही जो है वो हाइट एंड वेट पे जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें तो सप्लीमेंटेशन में वो चीज़ नहीं होती जो नेचुरल में होती जी जी ये भी है तो उसको आप देखती रहें क्या चीज़ सूट कर रही है कैसी कर रही है
और कैसा है उसके साथ वो उसको आपको दिखा सकते। अच्छा मैं इसको भी थोड़ा सा काम शम कराता हूँ, और काम से मुराद है खेलता हूँ थोड़ा सा इसका, लेकिन मेरा खेलने के दौरान क्या होगा, मेरा पैटर्न ये होगा कि मैं वही चार पांच चीज़ें मैं देख लूँगा, अटेंशन लूँगा इसकी, इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कराऊँगा, रिपीट नहीं करने दूँगा, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करूँगा, और अगर बिहेवियर शो करेगा तो उसको मैनेज करूँगा। ठीक है, यही गोल्स के साथ मुझे इसके साथ काम करना है, तीन चार महीने पहले यही होना है। इसमें जितना काम करते रहेंगे, जो भी आप करें मेरे पास लाएं, खुद करें, किसी और से कराएं, जो हजम भी करें, आपको मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि आपको पता होगा तो आप उसको उस अंदाज से देखेंगे आगे चलाएंगे। स्टार्ट में एक्टिविटीज छोटी होंगी, आस्ते आस्ते बढ़ेंगी बढ़ेंगी, प्रॉम्प्ट फेड होना बड़ा ज़रूरी है। जो राइटिंग का आप बता रही हैं ना, उसमें मुझे जो लग रहा है, मैं देखता भी हूँ अभी कि वो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में है कि 100 तक लिख लेता है लेकिन वैसे छोड़े तो बिल्कुल छोड़ देता है। हाँ जी, लाइंस लगाने लग जाता है। मैं ये कह रहा हूँ उसमें प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी पे ज़्यादा आ गया है, उसमें मूवमेंट अपनी होती है जब आपने प्रॉम्प्ट दिया होता है। हाँ, मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ होता है, उसके अलावा और चीज़ों में तो ही नहीं दे रहा होता। जैसे आजकल है कि इसको पुलिस कार बहुत अच्छी लग रही है, मतलब वही है कि कुछ दिन खेलेगा और वो इतना जो है उसमें मगन रहेगा और थोड़े दिन के बाद उसको छोड़ देगा, नई चीज़ पकड़ लेगा। Thank you.
and this is nose. This is nose. And this is loin. And this is two. How do we write two? Another orange.
ऑब्जेक्ट होती है
बच्चा अपने पास क्यों रखता है? क्योंकि उसको होता है कि मेरी चीज़ें घूमना हो गया, कोई मेरे सामने नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, टच में नहीं है। अब वो इसको रिपीटेडली जब करता है तो वो रिपीटेटिव बिहेवियर है, वो स्ट्रांग। आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है जो कम्फर्टेबल पे जी माई कार है, इसको वो यकीन नहीं होता कि ये उससे दूर चला गया तो कहाँ जाएगा, वो वापस मुझे नहीं मिलेगा। तो ये खेल सिखाएगा इसको ये बात। ओके नाउ लेट्स मेक अ फिल द पेज हमारा यार। ओहो ट्रायंगल ए इट्स अ ट्रायंगल ये दिस मेक अ ट्रायंगल ट्रायंगल आगे 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 चलो जी यस फन कॉफी फन चलो भाई ले लो काफी लेकिन अच्छा काफी आपने ये तारे कौन सी कार लेनी है आपने बताएं? विच कार? ग्रीन कार, ग्रीन कार दे दी ग्रीन भाई को दे। सोशल इंटरेक्शन का स्टार्ट है आपके देखा। और अभी तो कौन सी कार? ग्रीन ग्रीन कार दे भाई को। ओ हो ग्रीन ग्रीन कार ले लो, ग्रीन कार दे भाई को। भाई ले लो नाइस ड्राइव नाइस। नाउ फायर फायर ट्रक ये फायर ट्रक फायर ट्रक दे दे भाई भाई को। भाई दे दो दे दो भाई दे दो। इंटरेक्शन ये वो चीजें जो कि जीब्रा भी दे दो ठीक है। आपको जो कौन सी थी वो तो शेयर करना है। आप कौन सा लेना है? एलिफेंट 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 ही वांट्स एलिफेंट 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 दे दो भाई एलिफेंट आ जाए एलिफेंट 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 दे दो एलिफेंट दे दो एलिफेंट। आप कौन सा? लेपर्ड लेपर्ड दे दो लेपर्ड। ओह डेंजर नाइस गेमिंग नाइस गेमिंग नाइस। और चलो कार चलाते हैं आप और दे भाई कार दे भाई कार दे भाई ले लो ले लो ट्रक दे दो ट्रक भाई को दे भाई को दे ये दे और दे भाई को दे भाई को भाई ले लो भाई ले लो ऐसे चलो वन फोर वन ले लो बेटा ले लो चलो 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 ओके।
गया अभी, कार को पुश कर दे, पुश कार को पुश। कैसे ये देखो, एक चल चल इसको भी चलाएं, चलाएं आप भी चलाएं, भाई को दे, भाई 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 को दे, पुश पुश पुश, कैसे कैसे चले इसको कितने, भाई भाई को दे पुश, प्रोसेसिंग रेपिटिवनेस आता है करना, करता नहीं है। राइटिंग भी अभी आपने इंडिपेंडेंट से कर दी जी, अब मुझसे नहीं करता ऐसे, है नहीं मुझसे नहीं करता, मैं छोड़ती हूं मतलब उसी वजह है ना, मैंने आपको बताया कि उसने डिपेंडेंसी में चला गया आपके साथ प्रॉम्प्ट की, कि प्रॉम्प्ट करेंगे तो मैं लिखूंगा नहीं तो नहीं लिखूंगा, वो बस है वहाँ पर डिपेंडेंसी से हटाएंगे हम इसको किसी तरह से एक्सपोजर्स देते हुए, थोड़ा सा पुश करते हुए आप कह रहे थोड़ा सा पकड़ के छोड़ दिया, इस तरह थोड़ा सा इसलिए कर लिया तो वो इंडिपेंडेंट पे आ जाएगा राइटिंग इंशाल्लाह। और सर ये जैसे अभी है कि अभी गोल नहीं था राइटिंग मेरा, ठीक है मेरा गोल राइटिंग नहीं था अभी, अभी मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट वो देखना चाह रहा था कि जब 100 तक लिखता है तो इंडिपेंडेंट तो उसको कुछ तो लिखना चाहिए ना, तो वो मैं देखना चाह रहा था सिर्फ कि प्रॉम्प्ट के बगैर लिख लेता है तो क्यों नहीं लिख रहा है, उसकी रीज़न यही है डिपेंडेंसी उसको कुछ इसको मतलब लाइक जैसे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे प्ले करते हैं और इस तरह टोटल ओवरऑल कितना टाइम चाहिए? देखिए ये पहला मैंने पीरियड का है ना 3-4 मंथ्स, इसमें ये चीज़ें इसकी जब बेसिक्स बेहतर हो जाती है फिर लर्निंग स्टार्ट होती है आप कह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए अभी फिर वही वापस उधर चला गया जी जी। उस वक्त जब मैं खिला रहा था तो फिर उसने खेलना शुरू कर दिया था, वो प्रॉपर प्ले था, जब प्रॉपर प्ले हम 4 महीने खिलाएंगे इसको फिर उसको आएगा, अब ये चीज़ों के साथ बैठ के इंडिपेंडेंटली भी उस अंदाज से करेगा। ये बच्चा जो राफी है ये नहीं करता था, इसका बाय चांस ये होगा कि शायद वर्बल भी नहीं था, नॉन वर्बल था जी जी, ये मुझे इसका ये होगा कि इसके फादर अकामा के लिए वापस गए, उधर फ्लाइट बंद हो गई, यहाँ दादों के पास छोड़ के गए तो उनसे बिहेवियर इसका मैनेज नहीं हो रहा था, फिर ये 2 महीने मेरे घर में रहा 24 आवर्स, उसमें ये वर्बल भी हो गया इसकी कलम, क्योंकि हमारे पास भी सारे फारे थे क्वारंटाइन, कोई काम नहीं था तो ये खिलौना मिल गया खेलने के लिए, इसके साथ हम खेलते रहे तो उसमें बड़ा फर्क पड़ गया उसको माशाल्लाह, अब वो वर्बल सेंटेंसेस भी बोलता है माशाल्लाह। तो सर ये जैसे अभी मूसा का मैं देख रही हूँ ये पिछले 3 माह से ना वर्ड्स पे आया फिर फ्रेजेस पे आया है लाइक दे दें ले लें और इस तरह के,
तो लाइक सेंटेंस लेवल पे जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? जल्दी कर पहुंचेगा देखिए, जो अभी बुलवाना भी हमारा गोल नहीं होगा, अभी हमारा गोल वही होगा जो मैंने 3-4 चीजें बोली है, उसमें मैंने स्पीच नहीं बोली है, वो आएगी 3-4 महीने बाद। हम फोकस उसमें फर्क पड़ेगा इस पीरियड में भी जब हम काम करेंगे ना, अटेंशन पे काम करेंगे, प्रोसेसिंग पे काम करेंगे, रेपिटेटिवनेस पे काम करेंगे, हाइपर एक्टिविटी पे काम करेंगे, बिहेवियर को मैनेज करेंगे, इससे सारे से क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बेहतर होंगी इंशाल्लाह, सोशल स्किल्स बेहतर होंगी, प्री एग्जामिक स्किल्स बेहतर होंगी, ये फर्क पड़ेगा, इसमें महीना भी काम करेंगे तो फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन सेंटेंस पे एग्जैक्ट पे आने में इसको 4-6 महीने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट सही इमिटेशन में तो वो कर लेगा, अभी भी कर लेगा, मेरे पीछे कर लेगा, इंडिपेंडेंस स्पॉन्टेनियस जो है इतना टाइम चाहिए, और ये स्किल्स जीरो करते हैं मजबूरी है, हालात ये क्वारंटाइन कोविड के वाले, क्योंकि अभी स्टेज भी ऐसी थी कि ये स्कूल नहीं जा रहा था, स्कूल जाता तो शायद और कम होता इसका, तो इसके लिए ये चीजें जरूरी है जो मैंने आपको बताई है, आप खुद कर लें, नथिंग लाइक दैट, प्रोफेशनल से किसी से कराना चाहें उससे कराएं, इसको डिले में को कवर करना चाहिए, ये जो एज है ना इसकी, इस एज में डिले थोड़ा है, साल बाद डिले बढ़ जाएगा अल्लाह ना करे, इसलिए इसको कवर करना चाहिए और इसको आगे मिलना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए आपका, इस तरह के लेवल के बच्चे चल जाते हैं नॉलेज इंशाल्लाह, लेट्स होप बेस्ट इंशाल्लाह। बस ये काम इसके साथ आपने करने हैं जो मैंने आपको गाइड दिया, ये अभी आपकी वीडियो जानेंगी, ये मैं उसमें ये वीडियो अपलोड करूँगा उस पर, उसके बाद आपका कंसेंट के साथ मैं इसको फिर मैंने आपके चैनल के थ्रू जो है ये सारा कुछ सीखा है, और इसमें जो इम्प्रूवमेंट आई है वो ये सब कुछ देख देख के मुझे पता चला जो मैं आपका चैनल फॉलो करती रही हूँ, और शायद ही इसके बगैर जो है वो पॉसिबल भी नहीं था कि इसमें जो है, जैसे इसका बिल्कुल ही नॉन वर्बल था ये 3 मंथ्स बैक, और अभी जैसे आपने खुद ही देख लिया है कि ये चीज़ों के नाम लेते हैं, उसको तमाम चीज़ें पता है, ये सब मैंने इसको इधर से ही देख देखी, ये सब क्या जारी है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, इस की इम्प्रूवमेंट को आपकी एफर्ट्स से कोई एक पेरेंट भी मोटिवेट होकर अपने बच्चे के साथ काम कर देता है तो मेरा ख्याल हमें अल्लाह ताला नवाज दे इंशाल्लाह। तो आप इसके साथ बस ये काविश अपनी जो है जारी रखें, पैटर्न मैंने आपको बता दिया, फर्दर इसके साथ क्या होना चाहिए तो उसकी बेस के ऊपर ये इंशाल्लाह ताला आगे